यहाँ मैंने 1.5 किलो छोटी वाली मछली ले ली है और इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है और छन्नी में रख के इसका सारा पानी छान लिया है जिससे ये गीला ना बने। इसके लिए मैंने 5 काट लहसुन ले लिया है। यहाँ मैंने पीली वाली 1.5 चम्मच सरसों ले लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा पानी डाल के इन सभी को अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेंगे। मिक्सी में मसाला पीस के तैयार किया था, अब इसे मछली में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम इसे चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे लोहे की कढ़ाई रख दी है और हमारा कढ़ाई गर्म होने लगा है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। मछली फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मछली को तलने के लिए हमारा तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है तो हम अपनी मछली को डाल देते हैं। मेरी मछली एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं कद्दू, जिसे लोग कुष्मांडा भी कहते हैं, उसके पत्ते ले लिए हैं। हम मछली को इससे कवर करके बनाएंगे। कद्दू के पत्ते मछली में एक अलग सा फ्लेवर देंगे। हम अपनी मछली को अब कद्दू के पत्तों से ढक देंगे। मैंने मछली को कद्दू के पत्तों से अच्छे से कवर कर दिया है, अब इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़। मेरी मछली से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, अब हम इसे पलट लेते हैं। पत्तों का सारा फ्लेवर हमारी मछली में आ चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे। देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन हमारी मछली बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसे बिल्कुल आराम से पलटेंगे वरना हमारी मछली टूट सकती है। अब हम फिर से उसी पत्ते से इसे कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे जिससे हमारी मछली जले मत। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी मछली जल तो नहीं रही है। एक बार पत्ता हटा के हम फिर से चेक कर लेते हैं। हमारी मछली कितनी अच्छी से फ्राई हो चुकी है, हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। मेरी फिश बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ। इसे सर्व कर लेंगे। छोटी मछली बनके तैयार हो चुकी है, मैंने उसे लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। मेरी मछली बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेस्ट ऑफ टारगेट को सब्सक्राइब कर दें और हमें लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि छोटी मछली की रेसिपी कैसी लगी है।